नमस्कार, अब यहाँ वीरगंज के घरेरा पोखरी बानी और हमनी के बिहान कार्तिक के छठ ह जोन हमनी के तराई के एकदम सबसे बड़का ही फेस्टिवल में पड़ेला छठ। और इ छठ में हमनी के घरेरा पोखरी के एक दुल्हन जैसा सजावल बा। वीरगंज से जे जे बाहर बा उ लोग के भी हमनी के वीरगंज के घरेरा पोखरी दिखावा तनी सन। और यहाँ छठ के तैयारी हो चुकल बा, बिहान शनिचर के सझिया घाटे बा और इतवार के भूरिया घाटे। रोवा लोग जे भी डेकोरेशन देख रहा बानी बहुत ही अच्छा किस्म के सजावल बा। यहाँ हर एक जात पात के लोग आके घूमेला लोग। यहाँ कोनो किस्म के रोक टोक नहीं के, रोवा लगिन भी आई लगिन घरेरा पोखरी में घूमी लगिन। और हमनी के छठ जो घाट होकेला, छठ पूजा होकेला, वो पूजा देखी लगिन। और वीरगंज से जे भी बाहर बा वो लोग भी वीरगंज आई लगिन और हमनी के घरेरा पोखरी के विजिट करी लगिन। घरेरा पोखरी अभी विजिट 2020 खातिर एकदम ही एगो पर्यटन क्षेत्र बा। यहाँ बहुत ही बाहर बाहर से पर्यटन लोग भी आवता, भी इंडिया से लेके हर एक विदेश उदेश से भी लोग आवता वीरगंज घूमे खातिर। और सबसे अच्छा बात वीरगंज में जो घरेरा पोखरी बा, वीरगंज एरिया से लेके हमनी के नेपाल के ही एगो शहर में बहुत ही अच्छा किस्म के यहाँ छठ के सजावल होकेला। हर एक साल हमनी के ये अभी अच्छा अच्छा मैगजीन कहीं पत्रिका कहीं टॉप बैनर में आवता घरेरा पोखरी के फोटो। रोवा लोग भी जे जे घरेरा पोखरी नहीं के देखले रोवा लगिन हमरा माध्यम से ही घरेरा पोखरी देखी लगिन। और हम रोवा लोग के हो सके थोड़ा सा घरेरा पोखरी के भी घुमाएं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कलकत्ता। कलकत्ता पहली बार आए हैं? वीरगंज में पहली बार। वीरगंज में पहली बार। इतना अच्छा जो है कलकत्ता में भी नहीं होता। कलकत्ता में भी ऐसा इतना अच्छा नहीं होता है? धन्यवाद, थैंक यू। वहाँ के लोग रहे लोग कलकत्ता के, उ लोग कहता लोग कि ऐसा सजावट वीरगंज में जोन भइल बा हमनी के कलकत्ता शहर में भी ऐसा सजावट ना होखेला। ये हमनी के वीरगंज के मुख्य जन घरेरा पोखरी के द्वार बा, उ द्वार में सजावल देखाओ तनी लोग के। धन्यवाद, थैंक यू।